सो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और आपका पीएफ कटता है और फ्रेंड्स अभी आपको पैसे की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स आप अपने जो पीएफ की पैसा है उसको निकालना चाहते हो, तो फ्रेंड्स जो पीएफ के पैसे हैं उसे ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पर आप लोगों को पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा कि जो पीएफ की अमाउंट है उसे ऑनलाइन हम कैसे निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से। तो फ्रेंड्स पीएफ के पैसे को निकालने के लिए दो तीन कंडीशन होती है, दो तीन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपका पीएफ कटता है और आप जॉब कर रहे हो और अभी भी आपका पीएफ कट रहा है, तो फ्रेंड्स आप पीएफ की जो पैसे है उसको पूरा नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ एडवांस के तौर पर उसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में एडवांस निकालने के लिए अभी COVID-19 एडवांस फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, उसके माध्यम से आप अपने पीएफ के पैसे को ऑनलाइन निकाल सकते हो और बहुत ही जल्दी आपके खाते पर ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो फ्रेंड्स इसके लिए डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ पासबुक की आवश्यकता पड़ती है, पासबुक की फोटो कॉपी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए और एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, आपके पीएफ के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए और आपके आधार के साथ आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसमें एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी के माध्यम से ही आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं, इसके लिए सिंपली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स सिंपली आप इसके लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद आप अपना यूएन आईडी डाल लीजिए, यूएन नंबर डाल लीजिए, उसके बाद अपना जो पासवर्ड है उसको डाल लीजिए। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखा रहा है उसको भी सबमिट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे, आपका पासबुक आपका आईडी खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जाना है क्लेम फॉर्म पर। तो फ्रेंड्स क्लेम फॉर्म पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें वेरीफाई करना होता है अपने अकाउंट नंबर को। तो फ्रेंड्स आपका जो भी अकाउंट नंबर इस पर डाला है उसको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर को सबमिट कर लेता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का दिखाएगा, उसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको दिखाएगा प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप किस रीजन से इस पैसे को निकालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी के डेट में अभी COVID-19 वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, उसको डालने पर आपका पैसा बहुत ही जल्दी आपके खाते पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपना कितना पैसा को आप निकालना चाहते हो उसको यहाँ पर सबमिट कर लीजिए। जैसे कि आपके अकाउंट में अगर 1,00,000 है तो आप इसके लिए इसमें अधिकतम 30,000-35,000 के लिए डालिएगा, तभी आपका क्लेम पास हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस को सबमिट कर लीजिए, पूरा एड्रेस को सबमिट कर लीजिएगा यहाँ पर, अपना आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर पूरा एड्रेस को यहाँ पर सही सही डाल लीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी ज़िला है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक सिटी डाल दीजिए यहाँ पर, आपका कौन सा सिटी पड़ता है, जैसे आपका ब्लॉक को डाल सकते हो या फिर अपने ज़िले को डाल सकते हो। उसके बाद अपना पिन कोड नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। सो फ्रेंड्स पिन कोड डालने के बाद आपका जो पासबुक आपने स्कैन करके रखा है उसको यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ ये इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर व्यू करके इसको देख भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टिक कर लीजिए आई एग्री वाले ऑप्शन पर, उससे पहले एक बार पूरा फॉर्म को देख लीजिए कि सही सही भरा है कि नहीं, पूरा मिला लीजिए आपका फॉर्म पूरा सही से फिल हुआ है कि नहीं। उसके बाद इस पर क्लिक करके गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपका पीएफ अकाउंट पर आपका आधार कार्ड लिंक है और आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा, तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ओटीपी प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर ओटीपी को मैं सबमिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ओटीपी को सबमिट करने के बाद वैलिड ओटीपी एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद कुछ एरर आ गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एड्रेस में ये वाला ऑप्शन छूट गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सबमिट करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना सिटी का नाम डाल दीजिए, कुछ भी जैसे कि आपका ब्लॉक का नाम वहाँ डाल दीजिए और इसमें अपना ज़िला का नाम डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको सबमिट करने के बाद फिर से वैलिड ओटीपी एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करके रख सकते हो या फिर प्रिंट निकाल करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने इस एडवांस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से अपने घर बैठे। सो फ्रेंड्स उसके बाद अपने क्लेम की स्टेटस है उसको देखने के लिए अगर बाद में देखना चाहते हो तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली आप अपने ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर वहाँ पर जाइए, उसके बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने स्टेटस को देख सकते हो कि आपका स्टेटस कहाँ तक अभी आगे बढ़ा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने पीएफ के पैसे को निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं और आसानी से आप अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं।